हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस इन इंडिया। आज मैं आपको लेके आई हूँ 24/60 की डायमेंशन में ईस्ट फेसिंग डुप्लेक्स विला में, जिसकी लोकेशन है स्पाइसी किचन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। यह है विला का फ्रंट एलिवेशन जो कि जोधपुर स्टोन से डिजाइन किया हुआ है। इस साइड है आउटर पार्किंग एरिया जहाँ हम अपनी फोर व्हीलर पार्क कर सकते हैं। अब चलते हैं विला के अंदर। यह है विला का पार्किंग स्पेस जिसका साइज है 9.5x16 का। यहाँ इजीली हम अपनी बड़ी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। कार वॉश के लिए यहाँ पे टैप दिए हुए हैं। कंसील लाइट और प्लस पीवीसी वर्क के साथ में हमें यहाँ फॉल सीलिंग मिलने वाली है। इस साइड है पॉर्च एरिया, उस साइड हमें मिलने वाला है 8000 लीटर का वाटर टैंक। अब चलते हैं विला के अंदर। यह है विला का मेन एंट्रेंस गेट जो कि वुडन प्लस ग्लास डोर रहेगा। यह है विला का लॉबी एरिया जिसका साइज है 12x20 का। यह हम 6 सीटर डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं। इस साइड हमें डेकोरेशन के लिए ग्लास शोकेस दिया हुआ है। यह है लॉबी एरिया का टीवी पैनल जहां हम अपने एलईडी सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमें कंसील लाइट और फैंसी लाइट के साथ में हमें यहाँ पे फॉल सीलिंग मिलने वाली है। इस साइड डबल हाइट तक हमें ओपन एरिया मिलने वाला है जो कि ऊपर हमें प्रीमियम लुक में हमें सैंडलियर मिलेगा। यह है विला का ड्राइंग रूम जिसका साइज है 11x12 का। यहाँ हमें एल शेप में सिटिंग अरेंजमेंट मिलने वाला है। कंसील लाइट और थीम लाइट के साथ में हमें यहाँ फॉल सीलिंग मिलने वाली है। इस विला के 2 एंट्रेंस है, एक जाता है लॉबी की और एक जाता है ड्राइंग रूम की। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडोज दी हुई है। इस साइड है एलईडी पैनल जहाँ हम एलईडी सेट कर सकते हैं। इस विला के सभी फैन क्रॉम्पटन ब्रांड के रहेंगे और स्विचेस सारे जीएम ब्रांड के रहने वाले हैं। ये है वॉश बेसिन एरिया। ये है विला का किचन एरिया जिसका साइज है 9x10 का। यहाँ हमें एल शेप में ग्रेनाइट का काउंटर टॉप मिलने वाला है, साथ ही ग्लेन की चिमनी मिलेगी। सॉफ्ट क्लोजर के साथ में हमें अपर कैबिनेट, साथ ही स्टील के हमें ट्रॉलीज मिलने वाली है। यह है विला का फर्स्ट बेडरूम जो कि फुली फर्निश्ड रहने वाला है, जिसका साइज है 13x12 का। आप देख सकते हैं हमें कुशन हेडबोर्ड के साथ में हमें बॉक्सेस बेड मिलेगा। इस साइड है ड्रेसिंग एरिया, दोनों ओर हमें मिलने वाली है वार्डरोब सेक्शन। ये है इस रूम का एलईडी पैनल जहां अपना एलईडी सेट कर सकते हैं। साथ ही डेकोरेशन के लिए हमें यहाँ पे कॉलम्स मिलने वाले हैं। कंसील लाइट और थीम लाइट के साथ में हमें यहाँ पे डिसेंट लुक में फॉल सीलिंग मिलने वाली है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे लास्ट साइज में विंडो दी हुई है। ये रूम अटैच लेट बाथ रहेगा। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे टाइल्स वर्क मिलेगा, साथ ही ब्रांडेड हमें सैनिटरी मिलने वाली है। इस विला की सभी लाइट जीएम ब्रांड की रहने वाली है। ये है विला का सेकंड बेडरूम जिसका साइज है 13x9 का। इस साइड हमें एलईडी पैनल मिलेगा, साथ ही हमें वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलने वाली है। यह है इस रूम का वार्डरोब सेक्शन। अब आपको लेके चलती हूँ ओटीएस की तरफ। इधर बायोमैश डोर मैंने रहने वाला है। ये है ओटीएस स्पेस जिसका साइज है 5x14 का। यहाँ हम अपनी वॉशिंग मशीन सेट कर सकते हैं। कॉमन लेट बाथ, साइज है 7x4 का। अब आपको लेके चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर की ओर। स्टेयर्स ग्रेनाइट की रहने वाली है, साथ ही हमें स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिलेगी। इस साइड है फर्स्ट फ्लोर का कॉमन वॉश बेसिन एरिया। आप देख सकते हैं सैंडलियर हमें यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। ये है थर्ड बेडरूम जो कि फुली फर्निश रहने वाला है। इस साइड है ड्रेसिंग सेक्शन, दोनों ओर हमें मिलेगा वार्डरोब सेक्शन। कुशन हेडबोर्ड के साथ में हमें बॉक्सेस बेड मिलने वाला है। इस साइड है इस रूम का एलईडी पैनल, कंसील लाइट और थीम लाइट के साथ में हमें यहाँ पे फॉल सीलिंग मिलने वाली है। ये रूम भी अटैच लेट बाथ रहेगा।
लाइट एंड डार्क के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में हमें यहाँ पे टाइल्स वर्क मिलेगा। ये है 9x10 साइज का स्टोर रूम जहाँ हम अपना एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर सकते हैं। इस साइड हमें मिलने वाला है ओटी स्पेस, साथ ही टेरेस पे जाने के लिए स्टेयर्स। ये है फर्स्ट फ्लोर का लॉबी सेक्शन जिसका साइज आने वाला है 13x20 का। यहाँ डेकोरेशन के लिए हमें शोकेस मिलने वाला है। ये है विला का मास्टर बेडरूम जिसका साइज आने वाला है 14x15 का, जो कि अटैच लेट बाथ अटैच बॉल्कनी रहने वाला है। इस साइड हमें मिलेगा कुशन हेडबोर्ड के साथ में बॉक्सेस बेड, साथ ही यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। इस साइड रहेगा एलईडी पैनल जहाँ अपना एलईडी सेट कर सकते हैं। कंसील लाइट और थीम लाइट के साथ में हमें फॉल सीलिंग मिलने वाली है। वार्डरोब सेक्शन सेपरेट मिलेगा, साथ ही इस साइड है हमारा ड्रेसिंग सेक्शन। ये रूम अटैच लेट बाथ रहेगा। आप देख सकते हैं लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ में हमें यहाँ पे टाइल्स वर्क मिलने वाला है। ये है विला का बालकनी एरिया जहाँ हमें पीवीसी वर्क के साथ में फॉल सीलिंग मिलने वाली है, साथ ही यहाँ पे कंसील लाइट का वर्क रहेगा। वॉल पे हमें जोधपुरी स्टोन का वर्क मिलने वाला है। यहाँ हम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस विला में हमें GM ब्रांड के स्विचेस, साथ ही फैन हमें क्रॉम्पटन ब्रांड के मिलने वाले हैं। AC की पूरी वायरिंग की हुई है। अगर आपको ये विला पसंद आया तो इस विला को खरीदने के लिए, साथ ही विजिट करने के लिए नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल हाउस इन इंडिया और Instagram पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।